दोस्तों, एक राज्य में सेनापति की पत्नी को एक नौकर से प्यार हो गया था और इस राज्य में ऐसा कानून था कि अगर कोई स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम करती है तो उसे सजा नहीं दी जाएगी, क्योंकि इस राज्य के लोगों का ऐसा मानना था कि प्यार किसी से जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, फिर चाहे वो किसी की पत्नी ही क्यों न हो। और इस नियम का पालन राज्य के सभी लोग करते थे। चूँकि वो राज्य के सेनापति की पत्नी थी, इसलिए राजा ने फैसला किया कि सेनापति और नौकर के बीच एक लड़ाई होगी और जो इसे जीत लेगा ये स्त्री उसकी होगी। लेकिन लड़ाई का नाम सुनते ही नौकर डर गया और थरथर कांपने लगा, क्योंकि वह पतला दुबला और कमजोर था। उसने तलवार को कभी छुआ भी नहीं था, जबकि सेनापति तलवार चलाने में माहिर था और ताकत में नौकर के मुकाबले 10 गुना ज्यादा था। राजा ने लड़ाई का दिन सुनिश्चित कर दिया और दोनों में लड़ाई हुई। आश्चर्य की बात यह है कि नौकर ये लड़ाई जीत गया और सेनापति नौकर के हाथों मारा गया। ये देखकर सभी लोग हैरान थे कि आखिर ये कैसे हुआ। एक व्यक्ति ने नौकर से पूछा कि तुम कैसे जीत गए। इस पर नौकर ने जवाब दिया, मैंने लड़ने से पहले सोच लिया था कि अब मेरे पास लड़ने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जब मुझे मरना ही है तो मैं ये लड़ाई पूरे जी जान से और आखिरी सांस तक लड़ूंगा और मैं आखिरी बार लड़ाई में अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। और जब मैं पूरे जी जान से लड़ा तब मेरी ताकत 10 गुना बढ़ गई और मैं जीत गया। दोस्तों, मृत्यु एक अटल सत्य है और एक ना एक दिन हम सबको मरना है। फिर क्यों हम हारे हारे और डरे डरे जीवन जी रहे हैं। एक बार हिम्मत करके तो देखो, आपकी हिम्मत के आगे बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी सर झुका लेगी। अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक बार अपना सब कुछ दाव पर लगाकर तो देखो, आप अपनी सभी प्रॉब्लम्स को हराकर आगे निकल जाओगे। जब आपके पास आपके लक्ष्य के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें अपने मकसद में कामयाब होने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, हर व्यक्ति के कुछ अपने और लक्ष्य होते हैं जिन्हें पूरा करना हर हाल में जरूरी है। अगर आप अपने सपने और अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाते तो इस दुनिया में आने का कोई अर्थ नहीं। नौकर की तरह आप में भी बहुत सी छुपी हुई शक्तियां हैं। जब आपके पास आपके सपने और लक्ष्य के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता तब आपकी पूरी ऊर्जा और शक्तियाँ एक ही दिशा में काम करेंगी और आप बड़े से बड़े लक्ष्य को आसानी से पूरा कर पाओगे। फिर आपके सामने बड़े से बड़े ताकतवर भी नहीं टिक पाएंगे। इसलिए उठो और आगे बढ़ो। लाइफ में एक सही लक्ष्य बनाकर उसे पाने की हर मुमकिन कोशिश करो। आपको ये वीडियो कैसा लगा, गुड या बैड, कमेंट करके जरूर बताना ताकि मुझे भी पता चले कि आपके दिल तक पहुंच पाया या फिर मैंने आपका टाइम वेस्ट कर दिया। अगर आप मोटिवेशन स्टोरी सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।